अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जानसिफ है, मेरा ताल्लुक amana.com से है। amana.com हमेशा आपके लिए मार्केट के वो प्रोजेक्ट लेके आता है जिसमें इन्वेस्ट करके आपको मैक्सिमम फ़ायदा तो होता ही होता है, बट उसमें आप अगर अपनी लिविंग कॉन्सेप्ट को देखें या आप उसमें वहाँ पर रिहाइश करना चाहें तो एंड क्लाइंट के लिए वो क्यों फिजिबल है और वहाँ पर आपको रहना क्यों चाहिए या वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, हम वो तमाम टॉपिक्स कवर करते हैं। आज मैं जो आपको सोसाइटी लेके जाने लगा हूँ, ये सोसाइटी है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, पहले तो हम ये कवर करेंगे इसकी लोकेशन क्या बनती है, इसमें आने वाले कौन से ब्लॉक्स हैं और इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको क्या मजीद फ़ायदा होगा इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, या इन्होंने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो आने वाले कल में उनको क्या रिटर्न मिलेंगे, तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी जो लोकेशन है इस वक्त वो है NARC यानी मेन पुरी रोड से मैं इंटर हो रहा हूँ, और मेरी जो लेफ्ट साइड पे आपको NRC जो मेन रावलपिंडी इस्लामाबाद की रिसर्च सेंटर है वो है, राइट साइड पे थोड़ा ही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा वो तमाम बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपको यहाँ पर मिल जाती है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके आप रह सकते हैं और वो तमाम नीड को पूरा कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद जो हूँ वो हूँ पुरी रोड पे, पुरी रोड से मैं पार्क व्यू सिटी की तरफ जा रहा हूँ, और पार्क व्यू सिटी में आपको इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रिहाइश रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं हम पिंडी इस्लामाबाद इन शहर में रहें, तो शहर वाले लोग पिंडी इस्लामाबाद में तो कोई इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में अगर आपको कोई चीज़ मिलती भी है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है कि आपके जो है बजट में नहीं आती। राइट साइड पे अभी मैंने क्रॉस किया था रावल टाउन, उसके साथ मार्गला टाउन है, फिर यहाँ पर शहजाद टाउन है, लेथरार रोड यहाँ से करीब है। यहाँ पर अगर मैं इस्लामाबाद के सेक्टर्स की बात करूँ जिसमें रावल टाउन, मार्गला टाउन, अगर डिफरेंट सोसाइटीज़ को अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर जो आपको प्लॉट मिल रहा है और डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो प्लॉट है काफ़ी बजट वाइज आपको इकोनॉमिकल पड़ता है। उसकी वजह क्या है, सबसे पहले उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर आपको चीज़ मिल रही है, और आपको अगर शहजाद टाउन में, रावल टाउन में या आप मार्गला टाउन में अगर कोई चीज़ देखेंगे 5 मरले का प्लॉट ही आपको मिनिमम, वैसे तो प्लॉट है नहीं, घर है वहाँ पर, 5 मरले का अगर मिनिमम आपको 4.5-5 करोड़ का मिलता है डबल स्टोरी। अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को वेव ऑफ भी कर दें तो प्लॉट की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की पड़ जाती है आपको। सो जो आपको पार्क व्यू सिटी में जो प्लॉट पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मरले का इस वक्त आपको पड़ रहा है 85 लाख का, बट हम आपको कुछ ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें 80 लाख रुपीज़ में आप हिल स्टेट में बुकिंग करवा सकते हैं, और जो है 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर आप एक अपने प्लॉट के मालिक बन जाएंगे। अब लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जब शहजाद रोड से मैं इंटर हो रहा हूँ कोरी रोड की तरफ, और कोरी रोड पे क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, जोंग हेडक्वार्टर है यहाँ पर, यहाँ पर UBL, निज़ान, SBL तमाम वो बैंक्स मौजूद हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं डेली ट्रांजेक्शन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कैश एंड कैरी है, यहाँ पर बड़े जो है आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, तो तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको मार्केट में रिक्वायर्ड होता है और आप अपनी लिविंग के नियरेस्ट आप चाहते हैं। सो एक ये बहुत बड़ा एज है यहाँ पर रहने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप शहर के साथ जो कम्यूट कर सकते हैं वो आप काफ़ी मिनिमम टाइम में आप जो है शहर को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके मैं कुछ डिस्टेंस के नाम लेता हूँ, सरीना होटल से यहाँ पर 10-15 मिनट की ड्राइव है, फैजाबाद आप 15 मिनट में पहुँच सकते हैं, ब्लू एरिया आप 20 मिनट में पहुँच सकते हैं, I-8 आप यहाँ से 15 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स अगर आप शहर के अप्रोच करना चाहें तो मिनिमम टाइम में आप जो है वहाँ पर अप्रोच कर सकेंगे। तो शहर के अंदर एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि अगर शहर के अंदर आप यहाँ पर रहना चाहें। तीसरी चीज़ अगर मैं इसके अंदर लेके आऊँ कि यहाँ पर रहना क्यों चाहिए और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, अगेन वही बात करूँगा, अगर 360 एंगल से मैं पिंडी इस्लामाबाद को अगर आप देखें तो पिंडी इस्लामाबाद में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता जहाँ पर आप लेके एक लिविंग एंजॉय कॉन्सेप्ट कर सकें शहर के अंदर। तो यहाँ पर उस वजह से मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पर रहना चाहिए। डिफरेंट आप यहाँ पर अभी यहाँ पर वो भी देख रहे होंगे ब्रांडिंग बर्गर लैब है यहाँ पर डिफरेंट आउटलेट्स हैं जो कि लोग यहाँ पर रह के इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर अपने वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं जो कि शहर के अंदर भी नहीं मौजूद, सो वो ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद हैं। राइट साइड पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी सारा आबाद इलाका है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले आबादी नहीं है और आप आबाद होगा, यहाँ पर बिल्कुल आबाद इलाका है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, रिहाइश पजीर लोग हैं और यहाँ पर लोगों का लिविंग कॉन्सेप्ट भी कुछ शहर से बेहतर है। उसकी वजह क्यों है, यहाँ का जो माहौल है, जो टेम्परेचर है
और क्योंकि यहाँ पर लश ग्रीन एरिया है तो वो एक काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को यहाँ पर रहने के लिए, कि यहाँ पर आपको जो पूरा व्यू है मरी का व्यू भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको मार्गला हिल्स का भी व्यू मिल जाता है, यहाँ पर आपको इस्लामाबाद के एक्सेस का भी व्यू मिल जाता है कि जिसमें आपको मोटरवे मरी मोटरवे और इसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, हम पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद की ये मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस से हम इंटर होकर पार्कव्यू की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जो इनकी एंट्रेंस है वो माशाल्लाह काफ़ी चौड़ी है और तकरीबन अगर मैं फुट्स में बताऊं तो तकरीबन 140 फिट की एंट्रेंस है जो कि पार्कव्यू सिटी की शुरू में ही आपको मिलती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पहला आपको जो व्यू मिलता है ना वो आउटस्टैंडिंग है, कि जो आप व्यू इंजॉय करते हैं वो बोटैनिकल गार्डन्स का, मार्गला हिल्स का और इसी तरीके से फिर आपको मरी हिल्स के भी व्यू मिलता है। वो बार बार मैं कहता हूँ कि पार्कव्यू सिटी के पास एक एड ऑन है बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। अगर एक वर्ड में अगर कोई मुझसे कहे वाई पार्कव्यू तो मैं बोलूँगा सिर्फ लोकेशन लोकेशन लोकेशन, क्योंकि उनकी जो लोकेशन है ये बहुत अच्छी है और इस लोकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप शहर के अंदर रहते हुए आप पार्कव्यू सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप पार्कव्यू सिटी के अंदर रहते हुए शहर को ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं और शहर की जितनी भी चीज़ें हैं आप इस सोसाइटी के अंदर भी आपको बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ मिलती है। अच्छा, पार्कव्यू की जब एंट्रेंस की बात करें तो बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस है, जैसा आपको बोटैनिकल गार्डन का व्यू मिल रहा है, लश ग्रीन एरिया मिल रहा है और इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर अभी के लिविंग भी पार्कव्यू में हो चुकी है, यहाँ पर कुछ सेक्टर्स में डेवलपमेंट इस तरीके से है जो कि बी ब्लॉक है जहाँ पर घर बने हुए हैं और लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये इंटर हो गए जी पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद के अंदर। ये जो कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमराज हैं, ये भी थोड़ा स्मार्ट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिसमें आपको तमाम सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस और सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका एनवायरनमेंट मिलता है। फिर पार्कव्यू का राइट साइड पे मेरे अगर आप देखें तो ये डाउनटाउन कमर्शियल है, डाउनटाउन लेक्स हैं और इस तरीके से फिर उसके आगे एच ब्लॉक आ जाता है, फिर आगे हम जाएंगे तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक आ जाएगा। पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में एक दफ़ा अगर आप कोई प्लॉट की बुकिंग करवा लेते हैं या आप प्लॉट लेते हुए यहाँ पर अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ के इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न जितना अच्छा मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शहर के अंदर है। ये अगर आप देखें सामने कंस्ट्रक्शन हुई है और डिफरेंट प्लाजा बन रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट जो है मॉल्स बन रहे हैं, जो लोग यहाँ पर रहेंगे उनको बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ पर मिलेगी और वो पार्कव्यू पैलेस पर वर्किंग कर रहा है। सो अभी मैं पार्कव्यू सिटी के अंदर आ चुका हूँ, डिफरेंट ब्लॉक्स को हम विज़िट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फूड कोर्ट एरिया पे, फिर जो सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल है ओवरसीज़ ब्लॉक में भी कितना काम हो चुका है उसको भी हम करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ओवरसीज़ ब्लॉक में क्या काम चल रहा है। जी, मैं मौजूद हूँ पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद के फूड कोर्ट एरिया में। अब ये फूड कोर्ट एरिया आपने इस तरीके का पहला नहीं देखा होगा, पहला कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में ये। इन लोगों ने जो फूड कोर्ट एरिया बनाए मल्टीपल पार्क के अंदर मल्टीपल ब्रांचेज होंगी जिसमें तमाम तरीके की आउटलेट्स होंगी जहाँ पर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ आके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप जो है फूड ईटिंग के काफ़ी शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई किया जाए तो यह पार्क इज़ द बेस्ट चॉइस आपके लिए जिसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। पानी यहाँ पर बकाया तौर पर देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने चश्मा भी एक डिज़ाइन किया है जिसे इन्होंने आर्टिफिशियल लेक का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर वहाँ पर भी अगर आप देखें डिफरेंट तरीके के स्टैचूज़ हैं, ये एक बड़ा यूनिक इन्होंने स्टैचू बनाया है जिसमें आपको एक तो पार्कव्यू सिटी की उस तरफ का सारा व्यू भी मिलता है और वो तमाम आउटलेट्स आपको मिलेंगी यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हुए यहाँ पर रहते हुए उस चीज़ को इंजॉय कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पार्कव्यू के लिए कि पार्कव्यू अभी पूरा आबाद नहीं हुआ पर उन चीज़ों पर वर्क कर रहा है जिस पे लोग यहाँ पर रहें और यहाँ पर रहने पे मजबूर हों। अच्छा जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में, पार्कव्यू सिटी की साइड पे आ चुके हैं। सबसे पहले वाई पार्कव्यू का हम सवाल ज़रूर अपने क्लाइंट्स को देना चाहेंगे कि हर कोई कहता है कि अगर आप कोई सोसाइटी सजेस्ट कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है। पूरी जो वीडियो है वो बेस करती है इसकी लोकेशन पे, इसकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसकी लोकेशन में तमाम वो चीज़ें तमाम वो फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में नहीं होते। इस्लामाबाद के आप करीब आ जाते हैं, रावलपिंडी के करीब आ जाते हैं, इस्लामाबाद में रहते हुए आप अगर कोई लिविंग इंजॉय कर सकते हैं या आप अगर व्यू देखें F6 F7 F10 में भी आपको ये व्यू नहीं मिलता जो कि आपको पार्कव्यू सिटी में मिल रहा है बिकॉज ऑफ देयर लश ग्रीन एरिया
और यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनको यहाँ पर फ़ायदे क्या होंगे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है ये छोटी सी सोसाइटी है 20 से 25 हज़ार कनाल पे ये तकरीबन इसका एरिया बेस करता है। सो इसमें डिफरेंट ब्लॉक हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक है, हिल स्टेट ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, एफ़ ब्लॉक है। ये सामने अगर आप देख रहे हैं ये एफ़ ब्लॉक है। एफ़ ब्लॉक में लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की आज से 6 महीने पहले और उसमें उन्हें तकरीबन 25 से 30 लाख रुपये का रिटर्न सिर्फ एफ़ ब्लॉक में आया है। अगर सामने बात करते हैं ए ब्लॉक में, ए ब्लॉक में इस वक्त ए और बी ब्लॉक में इस वक्त आपको 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 95 से 1 करोड़ के दरमियान मिल रहा है। फिर आपके पास सामने आपके पास रावल टाउन, आपके पास सॉरी बैरिया टाउन आ जाता है, बैरिया इनक्लेव, बैरिया इनक्लेव यहाँ पर मौजूद है। मशीनरी यहाँ पर 24 घंटे अगर आप जब भी आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मशीनरी, हाई मशीनरी दिखेगी जो कि यहाँ पर काम कर रही है। मेरा कैमरा मैन अभी आपको दिखाएगा कि वहाँ पर जो जो मशीनें लगी हुई हैं, ये सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर घर भी बन रहा है और बड़ा हाइटेड घर है और ज़बरदस्त इसको तो व्यू भी ऐसा ज़बरदस्त मिलेगा कि यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी अच्छा व्यू भी इंजॉय करेंगे। और साथ साथ जो है यहाँ पर जो यहाँ पर घर बनाता है उसको यहाँ से डिफरेंट शहर का जो इन्वायरमेंट है वो एक तो बार बार मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो व्यू है वो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में है। अब पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा वजह यह है कि अगर आप इस्लामाबाद शहर में अगर 360 एंगल पर अगर आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको इस कम बजट में ये प्लॉट नहीं मिलेगा। पार्क व्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मरले का प्लॉट मिलता है 85 लाख रुपये का हिल स्टेट में, और डिफरेंट ब्लॉक में ओवरसीज़ ब्लॉक में 70 लाख वाली बुकिंग मिल जाती है, वो भी मिनिमम बुकिंग है, बाकी बुकिंग सारी ऑन पे। और अगर आप वो बुकिंग भी ले लेते हैं तो ओवरसीज़ ब्लॉक का सारा काम चल रहा है। मैं आपको ओवरसीज़ ब्लॉक भी दिखाऊंगा कि ओवरसीज़ ब्लॉक में भी क्या काम चल रहा है। सामने ये देखेंगे सारी मशीनें लगी हुई हैं, इस तरफ अगर आप कैमरामैन दिखा सके वो सारी मशीनें चल रही हैं, वहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, यानी आप जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक आपको मशीनें नज़र आएंगी कि मशीनें काम कर रही हैं। मशीनें इवन के काम नहीं कर रही बल्कि डिलीवर भी कर रही हैं। ये सामने ये जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर घर भी बना रहे हैं लोग, घरों की भी डिलीवरी हो रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले जो लोग शहर के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, यहाँ के बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में जिसका फाइबर ऑप्टिक्स बिछ रही है, यहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, ये देखिए तमाम जिन जिन लोगों को पोजेशंस मिली हुई है वो तमाम लोगों की जो है घर के फ्रंट पे बिजली, पानी, गैस और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मुहैया की जा रही हैं। गैस के कनेक्शन अभी यहाँ पर ओपन नहीं हुए हैं पर वो भी जल्द ही हो जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्क व्यू सिटी के बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक दिखाने का मकसद क्या था आपका? आप लोगों को ये आइडिया देना है कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में यहाँ पर लोगों की रिहाइश कम्प्लीट हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर जिससे अभी आप यहाँ पर घर देख रहे हैं, पार्क व्यू ने हैंड ओवर कर दी है प्लॉट्स और यहाँ पर लोगों ने घर बनाना भी शुरू कर दिए हैं। कुछ घर यहाँ पर बन रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। तो ये लिवेबल एरिया, अगर आपका बजट इस तरीके का है कि आप लोग चाहते हैं कि कोई हेल्दी बजट में आप पोजीशन लेना, तो आप बी ब्लॉक में पोजीशनेबल प्लॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप जो घरों की तामीर हो रही है अपना घर भी बना सकते हैं, और आप या अगर कोई रेंटल भी लेना चाहें, रेंटल पे भी लेना चाहें या रेंटल पे देना चाहें, तो दोनों चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो ये एक बी ब्लॉक का दिखाने का मकसद है। मज़ीद हम आप चलेंगे अपने ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ जिसका लोगों को ज़्यादातर इंतज़ार है कि ओवरसीज़ ब्लॉक में अभी क्या चल रहा है। ये मैं मौजूद हूँ ओवरसीज़ ब्लॉक में, और ओवरसीज़ ब्लॉक का लोगों का काफ़ी कॉन्सेप्ट था कि ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन जहाँ पर इन्होंने लॉन्च की है वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो सबसे पहले बताना चाहूँगा। ये आप सारी मशीनें देख सकते हैं, ये मशीनरी जो लगी हुई है ओवरसीज़ ब्लॉक में लगी है। मेन रोड कारपेटेड हो चुका है, इस तरफ का रोड जो है वो लेफ़्ट साइड पर कारपेटेड हो रहा है और राइट साइड पर भी मशीनें काम कर रही हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सके वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मशीनें काम कर रही हैं। इसी तरीके से 360 एंगल पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पार्क व्यू में हर जगह पे मशीनें लगी हुई हैं और ओवरसीज़ ब्लॉक में तेज़ी से काम हो रहा है। और अगर आप अभी भी ओवरसीज़ ब्लॉक में बुकिंग करवा लेते हैं तो आपको 99.9% बेनिफिट होगा। उसकी वजह यह है कि आज की मिट्टी कल का सोना, ये पार्क व्यू बनने जा रहा है, और अगर आज जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो 100% आपको फ़ायदा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे बेल के आइकन पर क्लिक करके आप अपनी अपडेट्स भी ले सकते हैं। मज़ीद अगर पार्क व्यू से कोई रिलेटेड आपको क्यूरी है तो आप नीचे 0331518002 मेरा नंबर है, आप रब्ता करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अमानत.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।